कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर जिले भर के पेट्रोल पंप 2 घंटे तक रहे बंद। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के आह्वान पर शाम 7 से 9 बजे तक पेट्रोल पंप बंद है। लोग अपने वाहनों में पेट्रोल लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। ऑटो डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि लोहिया के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के आने वाले पेट्रोल पंप डीलर के मांगों को लेकर बुधवार शाम 7 से 9 बजे तक 2 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रखे। जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। रवि लोहिया ने बताया कि जिस 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल के बाद भी यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। डीलर कमीशन बनाना और एक्सरसाइज ड्यूटी कम होने से हुए नुकसान की मांग की भरपाई को लेकर 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर रहे। पाँच सालों से नहीं बढ़ाया गया है, तो वो कमीशन बढ़ाया जाए। तो दूसरा, जो टैक्स कम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 नवंबर को और अभी 4 रोज पहले, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु जो पेट्रोल पंप डीलर्स का वहाँ टैक्स जमा है, वो हम चाहते हैं कि हमें वापस किया जाए। कितना टैक्स जमा होगा आपके लगभग? वो तो हर पंप वाले का स्टॉक के हिसाब से है, बट करीब करीब मध्य प्रदेश का हम मान के चले कि 200 करोड़ रुपये। ये हड़ताल कब तक चलेगी आपके? ये अभी 2 घंटे की है, शाम को।